नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ ग्वार फली की सब्जी, जो खाने में टेस्टी है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं चटपटी सी ग्वार फली की स्वादिष्ट सब्जी। ग्वार फली की सब्जी बनाने के लिए गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई के अंदर हम एक बड़ा चम्मच तेल का डाल देंगे और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर एक चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। दो पिंच के करीब हम इसके अंदर हींग डाल देंगे। हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैंने दो टमाटर लिए हैं और दो हरी मिर्च ली है, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, वो भी हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। टमाटर और हरी मिर्च को हम तेल के अंदर भून लेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे भूनेंगे। अब हम इसके अंदर एक चम्मच अदरक का पेस्ट डाल देंगे। मैंने आधी आधी चम्मच करके डाला है और इसे भी हम टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो सबसे पहले प्याज और लहसुन को भून लें, उसके बाद टमाटर डालें। देखिए, टमाटर जो है हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसके अंदर ग्वारफली डाल देंगे। मैंने आधा किलो ग्वारफली ली है, 500 ग्राम, और उसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है और अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। और इसे भी हम 1 से 1.5 मिनट तक तेल के अंदर भूनेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्रेंड्स सब्जी जो है बहुत ही अच्छी बनती है, जलती नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। जल्दबाजी में सब्जी ना बनाएं। इसी तरह चलाते हुए हमें 1-1.5 मिनट तक इसे तेल के अंदर भून लेना है। देखिए, अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक रख सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, तीखा भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। 1/4 चम्मच मैंने चाट मसाला डाला है, चाट मसाला आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। 2 पिंच के करीब लाल कश्मीरी मिर्च डाली है। ये तीखी नहीं होती फ्रेंड, पर इससे कलर अच्छा आता है। 1 चम्मच मैंने किचन किंग मसाला डाला है। किचन किंग मसाले की जगह आप इसके अंदर गरम मसाला भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो गरम मसाले का यूज़ करें, गरम मसाला और चाट मसाला। देखिए, मैंने सब्जी को अच्छे से मिक्स कर दिया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब हम इसके अंदर 1/2 गिलास के करीब पानी डाल देंगे। सब्जी कितनी गाढ़ी पतली आप बनाना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप पानी डालें। मैं लिपट मिसी सब्जी बनाऊंगी, ना तो पतली और ना ही गाढ़ी। इसे ढककर हम 3 मिनट तक इसी तरह मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। 3 मिनट बाद हम इसे वापस से चेक करेंगे। बीच बीच में सब्जी को चेक करते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। मैं सब्जी को मीडियम फ्लेम पर ही पका रही हूँ। वापस से ढक देंगे और 3 से 4 मिनट तक हम इसे वापस पकाएंगे। 3-4 मिनट बाद वापस से हम इसे चेक करेंगे। आप देख सकते हैं सब्जी का पानी जो है पहले से काफ़ी सूख गया है। अब हम इसे इसी तरह चलाते हुए 2 मिनट और पका लेंगे ताकि थोड़ा सा पानी और सूख जाए। ये सब्जी हमारी बनकर तैयार है और अब हम गैस को बंद कर देंगे।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।